बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे खाना को हमेशा भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और मेरे चैनल का नाम है फूड प्लैनेट कराची, जिसे मैं आपको सिखाती हूँ मज़ेदार सी रेसिपीज। आप मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लच्छेदार पराठे, जो कि पठान की चाय वाली होटल पे मिलते हैं। आसान तरीके से ही मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में हम पानी लेंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। 1 टीस्पून भर के हम नमक ऐड करेंगे। ये पिसी हुई शक्कर है, ये मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, और ये ग्लूकोज है, यही इसका सीक्रेट होता है लच्छा पराठे का, जिससे ये खस्ता और इसके ऊपर जो लेयर आती है गोल्डन ब्राउन डार्क ब्राउन कलर की, वो इसी से आती है। ये भी मैं 2 टेबल स्पून ही करूँगी। जो ख़ास कोयटा वाले के जो पराठे होते हैं कोयटा होटल के, ये उसकी ही रेसिपी है। इस पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 किलो मैंने ये मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटे को गूंदेंगे। कोई इसके अंदर ऑयल अंडा वगैरह कुछ ऐड नहीं होता। घी या ऑयल लगा के 15 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे आटे को। आटे को 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। थोड़ा सा ये तेल का हाथ लगाएंगे इस तरीके से। इतना बड़ा हम पेड़ा लेंगे। इस तरीके से हम रखते जाएंगे। ये एक पेड़ा लेंगे, इसको पेड़े को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाया। पहले सारे ना पेड़े तैयार करके रखेंगे, जो पठान बनाते हैं ना वो यही करते हैं, पहले पेड़े जो है ना वो तैयार करके रख लेते हैं। ऑयल या घी हम इसमें लगाएंगे। इस तरीके से ये तह लगाई इसकी। तह लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसको लपेटेंगे हम। ये इस तरीके से लपेट के और इसको हम इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। पेड़े बनाए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको बेलेंगे। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए फिर हम इसको पलट देंगे।
और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। अब हम थोड़ा ऑयल इस पे डालेंगे, अगर आपके पास घी है तो आप घी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको पीछे से भी इसी तरीके से सेकेंगे। बस ये अच्छे से सिक चुका है और इसकी जो अंदर परतें आ रही है ना, इसको खोलने का तरीका ये है कि इसको इसी के अंदर ही ऐसे कर देते हैं, तो ये सारी इसकी जो लेयर्स हैं वो सब खुल जाती हैं। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मज़ेदार से हमारे ये लच्छेदार पराठे तैयार हो गए हैं। ये चाय के साथ आप खाएं, बना के बहुत ही लजीज ये लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.